तो पिछले कुछ दिनों से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले हफ्ते इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में होने वाली न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मोटो योगी की एक न्यूज सेगमेंट संडे ऑटो न्यूज को। तो सबसे पहली अपडेट है होंडाई की तरफ से। होंडाई एक्स्टर अब आपको ब्लैक कलर में मिलने वाली है। एक्स्टर की पॉपुलरिटी को देखते हुए होंडाई इसकी ब्लैक यानी डार्क नाइट एडिशन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आपको बहुत सारी ब्लैक एलिमेंट और रेड इंसर्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है XUV 700 को लेकर। दूसरी कंपनियां जैसे दिन ब दिन अपनी गाड़ियों की प्राइजेस बढ़ाते जा रही है, महिंद्रा तेजी से उल्टी यानी XUV 700 की प्राइजेस घटाते जा रही है। जी हाँ, XUV 700 की टॉप मॉडल यानी X7 और X7L में लिमिटेड टाइम के लिए 2 लाख तक की प्राइस डिस्काउंट मिलने वाली है। अगर आप XUV 700 लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकती है। इसके बाद बता दें कि आपको मारुति की न्यू स्विफ्ट को यूरो एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया है और इसे वहाँ पे इससे पहले वाले स्विफ्ट के जैसे ही 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है टाटा कर्व को लेकर। तो टाटा ने इंडिया की पहली कूपे SUV यानी कर्व की टीजर को यूट्यूब में लॉन्च किया है और टाटा के मुताबिक ये इसको बहुत जल्द यानी 7 अगस्त को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और ये IC और EV दोनों में ही लॉन्च होने वाली है। इसके बाद जाते हैं BYD के तरफ। तो BYD ने अपनी ऑटो 3 की अफोर्डेबल वेरियंट को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है डायनेमिक वेरियंट और इसमें अब आपको इसकी दूसरी वेरियंट के मुकाबले में थोड़ी छोटी बैटरी और कम रेंज मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मर्सिडीज को लेकर। तो मर्सिडीज ने अपनी मोस्ट अफोर्डेबल EV यानी मर्सिडीज EQA को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। इसके साथ ही मर्सिडीज इस साल के अंत तक 4 और न्यू गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने वाले है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है पंच की तरफ से। तो फाइनली इतने सालों के बाद टाटा अपने मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV यानी पंच की फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च करने वाले है, जिसे टेस्टिंग के दौरान स्पेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है थार 5 डोर के बारे में। तो लॉन्च से पहले इसकी 3 अलग अलग कलर ऑप्शन को स्पेक्ट किया गया है, जो दिखने में तो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसकी कलर ऑप्शंस को देख सकते हैं, जो है रेड, ब्लैक और व्हाइट। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है निशान के तरफ से। निशान फाइनली मैग्नाइट के बाद एक दूसरी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो होगी इनकी न्यू जनरेशन X-Trail, जिसे CBU यूनिट के तौर पे इंडिया में लॉन्च करा जाएगा और निशान इसके कुछ ग्लिम्स को ट्विटर यानी X में शेयर किया है और Xiaomi ने मोबाइल फोन बेचते अपनी न्यू इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में शोकेस किया है, जिसका नाम है Xiaomi SU7, जो दिखने में एक स्पोर्ट कार की तरह लगती है और Xiaomi इसे बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च कर सकती है। और MG अपनी न्यू इलेक्ट्रिक कार MG क्लाउड EV को इंडिया में लॉन्च करने वाले है, जिसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और ये कॉमेट और ZS EV के बीच के गैप को फिल करेगी। इसके बाद बाइक्स की बात करें तो डुकाटी ने अपनी न्यू हाइपर मोटर 698 मोनो को इंडिया में लॉन्च किया है। TVS ने अपनी अपाची RTR 162 भी की रेस एडिशन को इंडिया में लॉन्च किया है। इसके अलावा 2024 KTM 390 एडवेंचर, रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 और बुलेट 650 को टेस्टिंग के दौरान इंस्पेक्ट किया गया है। इसके साथ ही रॉयल इनफील्ड अपनी एक न्यू इलेक्ट्रिक बाइक को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जिसे हाल ही में इन्होंने पेटेंट किया है। और बजाज की फ्रीडम 125 के बाद TVS भी जुपिटर को न्यू CNG वेरिएंट में लॉन्च कर सकते हैं, जिसके डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी पिछले हफ्ते की इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सारी अपडेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके मोटो योगी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें ग्रो होने के लिए आपकी थोड़ी मदद मिल सके और आप चाहे तो हमारी इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।